आप सभी का बहुत स्वागत मेरे आज के इस वीडियो में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी कमेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम किन वीडियोस पर बात करेंगे, तो पीछे मुझे बहुत कॉमन कमेंट्स आए हैं सभी IMCNs के, और ये कमेंट थे कि जैसे मैंने प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं कि थायराइड में क्या देना है, ऐसे कॉम्बिनेशंस मैंने बना रखे हैं हेयर फॉल के लिए, वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज इन इंडिया नाउ अडेज जो है जॉइंट्स की प्रॉब्लम, यानी जॉइंट्स के जो पेशेंट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। IMC के पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो काम आते हैं आर्थराइटिस में, संधिवात जिसे हम कहते हैं या गठिया कहते हैं, इन प्रकार की जो डिजीजेज है इसमें IMC के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे काम करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत, मेरा नाम आफरीन मेमन, सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरापी एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन। आज आपसे बात करूंगी मैं आर्थराइटिस के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने पीछे वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि हम आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या, ये किस प्रकार की होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका सारी जो चीजें हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। आज की इस वीडियो को हम शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे और बात करेंगे सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आर्थराइटिस में काम आते हैं, जो हमारी IMC के पास स्पेशल कॉम्बिनेशन है, और थोड़ा सा आयुर्वेदिक परसेप्शन भी देखेंगे कि आयुर्वेद आर्थराइटिस को किस तरह से देखता है। आर्थराइटिस की सबसे पहले अगर बात करें तो समझते हैं कि इसमें 100 टाइप्स की कैटेगरीज है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि देयर आर 100 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन आर्थराइटिस। पहले के टाइम में ऐसा होता था साथियों कि एक सर्टन एज वालों को ये जो बीमारी है ये पकड़ती थी, संधिवात की या गठिया की जो समस्या है, हड्डियों के दर्द में, हड्डियों का दर्द या जोड़ों की समस्या है, ये एक सर्टन एज वालों को, जैसे लेट से कि कोई 50 के ऊपर जाता था तो ज्यादातर देखने मिलती थी। लेकिन नाउ डेज ये जो बीमारी है ये यंगस्टर्स में भी बहुत पाई जा रही है। आई एम श्योर आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। तो यंगस्टर्स में भी ये बहुत पाई जा रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही है नाउ डेज। यानी हड्डियों की समस्या आज कोई एज बैरियर नहीं रह गया कि यही एज वाले को होती है, किसी भी एज में, चिल्ड्रंस में भी इनफैक्ट आर्थराइटिस के बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। महिलाओं में तो ये खैर बीमारी कॉमन है ही है, क्योंकि 30 क्रॉस करते ही फीमेल्स में कैल्शियम लॉस, फिर हड्डियों की समस्या, ये हड्डियों से जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स तो 30 क्रॉस करते करते ही फेस करना शुरू कर देती है। अब आर्थराइटिस में जैसे बहुत सारी कैटेगरीज है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये बहुत कॉमन टाइप का है। आज की इस वीडियो में मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उस पर भी जो है अगला वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। अब अगर आर्थराइटिस को हम आयुर्वेद परसेप्शन से देखें तो आयुर्वेद का क्या कहना है। बेसिकली आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद ये कहता है कि ये दो चीजों से मिलकर किसी भी व्यक्ति को हड्डियों की समस्या, गठिया या फिर संधिवात की समस्या होती है। दो कारण है मुख्य कारण आयुर्वेद के हिसाब से। पहला है आम दोष, यानी कि जो टॉक्सिन्स आपके पेट में जमा होते हैं, जो खाना या जो फूड आप खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो टॉक्सिन्स जो है वो आपकी हड्डियों पे इफेक्ट करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये वात दोष रिलेटेड है। जो हमारे बॉडी में त्रिदोष पाए जाते हैं, वात, कफ और पित्त, उसमें वात दोष रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कफ डोमिनेंट है या पित्त डोमिनेंट है उनको समस्या नहीं होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वात दोष कहीं ना कहीं शरीर में बढ़ता है जिससे हमें हड्डियों की समस्या देखने मिलती है। आयुर्वेद अनुसार जब जब हवा आपके शरीर में बढ़ेगी तब तक आपको हड्डियों की प्रॉब्लम ज्यादा देखने मिलेगी। तो पॉइंट सिंपल ये है कि आप कोई भी डोमिनेंट हो, पित्त हो, कफ हो, वात हो, डजंट मैटर, लेकिन वात दोष की वजह से आपको हड्डियों की समस्या फेस करनी पड़ती है। अब हड्डियों की समस्या या आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेन तो होता ही है, खैर जो हमारे कॉमन जॉइंट्स है जैसे हमारी एल्बो है, हमारा नी है, कॉमन जॉइंट्स जो होते हैं यहाँ पे बेसिकली दर्द तो होता ही है। उसके अलावा एक लालपन आ जाता है बहुत सारे केसेस में, जब पेन अनबेरेबल हो जाता है तो वो लालपन आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, एक जकड़ाव जैसा लगता है, एकदम सॉफ्टनेस जो है जैसे हमारी एल्बोज है या सॉफ्टनेस है वो चला जाता है, स्टिफनेस लगती है, सीवियर पेन होता है, जब जो दर्द ऐसा होता है जो बर्दाश्त नहीं होता है, सूजन भी जो है आपको देखने के लिए मिलती है। इट कैन अटैक एनीवेयर, शोल्डर्स पे हो सकता है, एल्बो पे हो सकता है, पैर पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आर्थराइटिस जो है बेसिकली ये कुछ इस प्रकार है। अब सिंपल पॉइंट ये है कि हमें IMC में वो प्रोडक्ट्स काम आएंगे, क्योंकि IMC के जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली आयुर्वेदिक है, राइट। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें वही प्रोडक्ट्स काम आएंगे जो वात दोष और आम दोष पे, या आम जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पाया जाता है
उनको कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या हड्डियों की समस्या है वो कम हो जाएगी, ऑब्वियस है। तो आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको काम आने वाले हैं तो मैं आपको सीरीज वाइज बता दूंगी। डेफिनेटली आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, संधिवात की जो समस्या है, उस पर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे ये है साथियों, जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा फर्स्ट चॉइस है मेरी अगर आप एक आर्थराइटिस के पेशेंट है तो, क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है सबसे पहला। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसके अंदर पाई जाती है वो ये है कि टॉक्सिन्स को शरीर से निकालता है। टॉक्सिन्स का अर्थ क्या है? आम टॉक्सिन जो हमारे पेट में जमा होते हैं, गंदगी कह सकते हो, टॉक्सिन जो जमा होते हैं उसको निकालने का काम एलोवेरा में है। तो दोनों जो मुख्य कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं वो एक एलोवेरा में कवर हो सकते हैं। तो एलोवेरा सबसे पहली चॉइस है। प्लस एलोवेरा जो है हमारे जॉइंट्स में ग्रीस बढ़ाने का काम करता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है तो वो काम करता है उसमें। तो ये सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए अगर आपको हड्डियों की समस्या है तो। एलोवेरा का डोज कैसा रहेगा? आपको बेड टाइम लेना है। ओवर कंज्यूमिंग एलोवेरा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग 60 ml 80 ml एक साथ पीते हैं रात में, वो बिल्कुल गलत तरीका है। इतना एलोवेरा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एक हेल्दी मैनर में एक व्यक्ति को अगर किसी भी बीमारी को टारगेट करके वो पी रहा है तो 30 ml एलोवेरा आईएमसी का जो प्रोडक्ट है, 30 ml एलोवेरा बेड टाइम आपको पीना है, 30 ml रात में पीना है। मॉर्निंग में भी पी सकते हैं आप, लेकिन फर्स्ट चॉइस है मेरी रात में ही आप उसको कंज्यूम करें। 30 से 40 ml बहुत हुआ, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट एलोवेरा। दूसरा प्रोडक्ट जो काम आने वाला हड्डियों की समस्या में वो ये है साथियों, श्री हल्दी ड्रॉप्स। श्री हल्दी कर्क्यूमिन का जो वर्णन है आयुर्वेद में बहुत बड़ी तरीके से आया है, और हल्दी की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं आयुर्वेद अनुसार, लेकिन हमारी जो हल्दी का है, श्री हल्दी कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट है। अगर श्री हल्दी की मैं बात करूं तो ये क्यों मैंने रेकमेंड किया है, क्योंकि सबसे पहला कारण है कि ये त्रिदोष में काम आता है, वात कफ और पित्त। तो ऑब्वियस है कि वात को आपके बैलेंस करेगा, राइट? तो हल्दी जो है आपके त्रिदोष में काम आता है, इसीलिए पहली चॉइस है। दूसरा, हल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में ही हल्दी जो है बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अब यहाँ पे हम बात करें आर्थराइटिस की, तो उसमें हल्दी जो है डेफिनेटली, क्योंकि जॉइंट्स के जितने पेशेंट है उनके लिए हल्दी फर्स्ट चॉइस है आयुर्वेद अनुसार, राइट? तो टर्मरिक जो है आपकी राइट चॉइस है। तो श्री हल्दी ड्रॉप्स आपको कंज्यूम करने हैं। एक दिन में आपको कितना कंज्यूम करना है ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन में आपको 5 से 6 बूंद काफी है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 5 से 6 बूंद जो हल्दी ड्रॉप्स है वो आपको कंज्यूम करने हैं, श्री हल्दी ड्रॉप्स। दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट जो आपकी हड्डियों की समस्या में काम आएगा, आर्थराइटिस में काम आएगा, वो है साथियों पेन अवे टैबलेट। बहुत सारे लोग इसको पेन किलर समझते हैं, लेकिन ये पेन किलर नहीं है, नेचुरल पेन किलर है एक तरह का, जिसको थोड़ा सा समय लगता है हड्डियों पर काम करने के लिए, बट पेन अल्टीमेटली कम कर देगा। तो पेन अवे टैबलेट के अंदर बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन कंपनी ने डाले हैं, गूगल है, शलाकी है, बहुत सारी चीजें डाली है इसके अंदर, गिलोय है। तो ऐसी चीजें हैं जिससे आपका जॉइंट्स की लगभग सारी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो आर्थराइटिस के लिए नंबर वन चॉइस है पेन अवे टैबलेट। पेन अवे टैबलेट दिन में 2 कंज्यूम करनी है आपको, एक आफ्टरनून में, एक नाइट में, खाने पीने के बाद। दिन की 2 गोलियां काफी है अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट है। स्वेलिंग में और जॉइंट्स को हेल्दी रखने में पेन अवे टैबलेट बहुत जबरदस्त काम करता है। ये हेल्दी जॉइंट्स को प्रमोट करता है। सारी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन इसके अंदर है जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी, ठीक बात है? तो पेन अवे टैबलेट। उसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो शायद ही लोग नहीं रेकमेंड करते हैं या उनको पता नहीं है उसके बारे में, जो बहुत कंपलसरी प्रोडक्ट है, जिसका नाम है गार्लिक प्योर टैबलेट। गार्लिक प्योर, गार्लिक के बारे में अगर आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो गार्लिक बेसिकली क्या होता है? लहसुन होता है, राइट? तो गार्लिक का जो वर्णन आयुर्वेद में आया है वो क्या आया है कि गार्लिक के बारे में बताया गया कि कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाता है और आपकी जॉइंट्स को जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको लहसुन के अंदर मिल जाते हैं, ये आयुर्वेद का मानना है। तो गार्लिक प्योर हमारे पास ऑलरेडी एक टैबलेट है, तो गार्लिक प्योर टैबलेट भी आप कंज्यूम करें। मेरा जो इसका डोज रहेगा वो बेसिकली रहेगा कि आप एक आफ्टरनून एक नाइट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी समस्या बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ पेन रहता है और बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, तो आप एक कैप्सूल रात में सोते समय कंज्यूम करें, उतना भी काफी है गार्लिक प्योर का। तो एक टैबलेट भी अगर आप रात में कंज्यूम करते हैं तब भी काम चल जाएगा। उसके अलावा अगला प्रोडक्ट जो है साथियों वो ये है कैल्डी। कैल्डी अब हर किसी को रेकमेंडेड नहीं है, कैल्डी सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना है अगर आप वात की समस्या है, आपको संधिवात की समस्या है, गठिया की समस्या है, तो आपको जरूरी नहीं है कि कैल्डी लेना है।
कैलडी रेकमेंड कब है, जब आप अपने डॉक्टर से पूछिए, आप अपना जो कैल्शियम का टेस्ट कराइए, अगर आपका कैल्शियम लेवल्स लो है तो ही आप कैलडी ले, वरना आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कैल्शियम की वजह से आर्थराइटिस, उनका पेन बढ़ता रहता है और वो और कैल्शियम लेना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी कैल्शियम लेवल्स कम है तो ही आप कैलडी लीजिए, और कैलडी जो है आईएमसी का, उसका भी सिर्फ एक ही टैबलेट आपको दिन में कंज्यूम करनी है, दो दो टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है, दो गोली की जरूरत ही नहीं है, एक टैबलेट आपको लेना है, क्योंकि 1000 पावर की जो है ये टैबलेट है ऑलरेडी, तो एक टैबलेट आपको लेना है इफ नीडेड, राइट। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आर्थराइटिस में आपके जबरदस्त काम आने वाले हैं, और हर आर्थराइटिस पेशेंट्स को ये रिकमेंडेड है। इसके अलावा मैं आपको दो बोनस प्रोडक्ट बताने वाले हूं, अगर आपकी आर्थराइटिस बहुत लंबे समय से चल रही है, बहुत लॉन्ग टाइम से आप ले रहे हैं, पेन किलर्स भी खा रहे हैं, कैल्शियम भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो एडिशनल जो चीजें ऐड करनी है वो ये एडिशनल है, कंपलसरी नहीं है। जिनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है उन लोगों के लिए आयुर्वेद अनुसार रिकमेंडेड है। नंबर वन, सबसे पहले हमारा जो एंटी रेडिएशन ब्रेसलेट आता है, ये डेफिनेटली आर्थराइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम कर सकता है, जॉइंट्स के केसेस में जितनी हड्डियों की समस्या है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काम आता है, पेन को कम करता है, तो ऐसी मल्टीपल चीजों की वजह से स्लिप मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा है हमारा ब्रेसलेट, तो ये रिकमेंडेड है। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली लीजिए, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इसके बिना इलाज नहीं होगा, ये ऑल्टरनेटिव है, एक सपोर्टिव हो सकता है जल्दी राहत देने के लिए। नंबर वन प्रोडक्ट। नंबर टू, दो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ एडिशनल। दूसरा प्रोडक्ट है, अगर किसी व्यक्ति को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की है, कब्जियत की है, पेट की कोई समस्या है और साथ में आर्थराइटिस है, तो भूलिए नहीं, आपको एलोडाइजेस भी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आयुर्वेद ने क्या बताया, टॉक्सिन्स रिलेटेड भी है जो हमारा जो जॉइंट्स का पेन है, तो आपको एलोडाइजेस जरूर देना है, क्योंकि अजवाइन इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन है, और अजवाइन बेसिकली काम आता है जॉइंट्स के पेशेंट के लिए भी, और हमारी पाचन तंत्र के लिए तो ऑब्वियसली काम आता है, तो ये एक प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। और ऑलवेज आर्थराइटिस के पेशेंट को आपने पूछना है कि उसको एसिडिटी या पेट रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, यदि है तो एलोडाइजेस्ट उसमें डेफिनेटली ऐड करें। ये दो बोनस प्रोडक्ट है, ध्यान रखिए आप, अगर किसी को रिकमेंड करने की आवश्यकता है तो ही करना है। तो साथियों, डोज मैंने बता दिया आपको सभी प्रोडक्ट्स का, और ये आर्थराइटिस के लिए इतने ही प्रोडक्ट जो है काफी है, वंडरफुल रिजल्ट्स है, नेचुरल है, बट इट विल टेक टाइम, ये बात का ध्यान रखना है, एकदम से लेते ही सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, और आपको इसको थोड़ा सा जो कोर्स है पूरा करना पड़ेगा। हर पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो डेफिनेटली डॉक्टर सजेशन के बाद ही ये जो है कॉम्बिनेशन ट्राई करें, क्योंकि गार्लिक है इसके अंदर और भी कॉम्बिनेशन है, तो हर किसी को सूट नहीं करेगा, डिपेंड अगर आपको और कोई बीमारी है तो, उस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको आर्थराइटिस है यानी गठिया की समस्या है, तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो फिजिकली एक्टिव रहे, ज्यादा बैठे मत रहे, ज्यादा खड़े मत रहे, एक ही पोस्चर में नहीं रहना अगर आप जॉइंट्स के पेशेंट हैं, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वॉकिंग करिए, आई एम नॉट सेइंग कि जिम विम जाना चालू कर दीजिए, बट थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है ताकि आपके जो जॉइंट्स है मूवमेंट में रहे, राइट। दूसरी चीज, आपका स्लीप पैटर्न बहुत ठीक करना है, क्योंकि निद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर आयुर्वेद, अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है, नॉट ओनली आर्थराइटिस, एनी डिजीज, तो आपको नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्लीप पैटर्न को अपने ठीक करना आपको। तीसरी चीज, अगर आप बहुत ओवरवेट है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो आर्थराइटिस ट्रीट करने से पहले आप अपने वेट को रिड्यूस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे शरीर का जो वजन है आपके घुटनों पे होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने वेट को पहले टारगेट करें, उसके बाद में आप अपने आर्थराइटिस के ऊपर फोकस करें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सारी कॉम्बिनेशंस, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और आप कौन से कॉम्बिनेशंस मुझसे चाहते हैं, आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स पे मैं आपके सामने कॉम्बिनेशन पेश करूं, ये अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, दिस इज अफ्रीन मेमन साइनिंग ऑफ, जय हिंद।